हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। ये डबल डोर फ्रिज रिपेयर करने के लिए आए हैं। इसमें क्या है कि नीचे इसकी बॉडी गल चुकी है। यहाँ से एक कंडेंसर का पाइप यहीं से होता हुआ जाता है, जिसकी वजह से वो पाइप ख़राब हो चुका है। इसका कंडेंसर लीकेज हो चुका है। ये हमारे पास में न्यू कंडेंसर है, ये फुल साइज़ का कंडेंसर है, मतलब क्योंकि डबल डोर फ्रिज है तो उसमें यही वाला लगाएंगे। इसमें कोई मैकेनिक इसको पहले भी करने के लिए आया था तो उसने एक तो खर्चा ज़्यादा बता दिया, जिससे कस्टमर ने कराई नहीं है, और वो 3-4 बार इसमें गैस डाल के गया तो कस्टमर इससे चिढ़ गया। तो कस्टमर ने उसको बिल्कुल मना कर दिया कि मैं तो उससे कराऊंगा नहीं। अब तो फिर कस्टमर ने हमें बुलाया, तो इसको हम देख रहे हैं, फ्रिज को हम करेंगे, हमने कम पैसों में इसको कर दें। तो एक ये जाल हम इसमें लगा रहे हैं जो कंडेंसर है इसका। तो इसमें क्या है कि जिप्सन पेंच है हमारे पास में 1.5 इंची के, तो 2 पेंच मैंने इसमें लगा दिए। अब तीसरा भी लगा लेता हूँ। तो इसमें अगर किसी को पीछे चोट मारते हैं तो पेंच आराम से लग जाता है। तो मैं इसमें 3 पेंच तो लगा चुका हूँ, अब इसमें 14 पेंच भी लगा लेते हैं। उसमें आपको आराम से काम करना है, जल्दीबाजी कुछ नहीं करनी। तो पेंच तो उसके लग चुके हैं। अब जो इसमें आगे कंडेंसर में रबड़ एक लगी हुई, तो उसके निकालते हैं। और अब जो हमारा डिस्चार्जिंग लाइन वाला पाइप है जो हमारे कंप्रेसर से आ रहा है, तो उसको यहाँ से काटते हैं। तो आपको इसको पाइप को काट लेना है। तो इसको पाइप को काट के हम जो हमने ओपन कंडेंसर लगाया, तो उसमें इसको पाइप ज्वाइंट करेंगे, यानी कि वेल्डिंग करेंगे इस पर। तो आपको उसको आराम से काट लेना है। देखो जैसे मैं काट रहा हूँ, तो देखो उसमें गैस है, ज़्यादा गैस नहीं है, उसमें बहुत हल्की सी गैस है बस। तो देखो इसमें गैस जो थी वो सब निकल गई, हल्की सी गैस रह गई थी जिससे कूलिंग कम करने लग गया था। तो परसों ही कोई मैकेनिक इसमें गैस डाल के गया था। तो अब देखो मैं इसकी जो NRV की वॉल्व है वो खोल देते हैं। तो मैंने NRV की वॉल्व तो उसकी खोल दी। और अब जिसका ड्रायर है यानी कि फ़िल्टर है इसका, उसको भी काट लेंगे ट्यूब कटर की मदद से। तो हमारे पास में ट्यूब कटर है, इसकी मदद से हम इसको काट रहे हैं। अब ड्रायर भी हमने काट दिया इसका, और हमारे पास रेती है तो रेती की मदद से इसकी जो कैपिलरी है आगे से वो काट देंगे। अब ड्रायर को हमने अलग कर दिया और कैपिलरी को अलग कर दिया। अब इसका जो पाइप है, जो हमारा कंडेंसर है और जो कंप्रेसर में डिस्चार्ज वाला जो पाइप है, तो उसको आपस में ज्वाइंट करेंगे, यानी कि इस पर वेल्डिंग करेंगे। तो हमें छोटा पीस, हमारे पास में क्वार्टर का पाइप है तो छोटा पीस आपको ले लेना है, लगभग 1 इंच का, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना। तो ये देखो उसमें क्या होगा कि जब हमने इसको काटा है तो इसका आगे से मुंह भींच जाता है। तो मैं नोच ब्लास की मदद से इसका होल थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। इसका होल तो बड़ा हो चुका है, देखो ये इधर कंडेंसर में लग चुका। और अब पेपर की मदद से, जो ये हमारा कॉपर वाला पाइप है, एक साइड में लोहे का पाइप है, एक साइड में कॉपर का पाइप है, तो कॉपर के पाइप को हम आराम से रेकमार की मदद से घिस लेंगे, क्योंकि काला हो रहा था पाइप, फिर वेल्डिंग सही से हो नहीं पाता। और हमारे पास में क्वार्टर का जो पाइप है, इसको अब दूसरी साइड फंसा के देखते हैं। जो हमारा कंप्रेसर से पाइप आ रहा है, यानी ये कॉपर का पाइप है, तो ये इसमें जा नहीं रहा। मैं क्या करूँगा कि नोज प्लास की मदद से इसका होल बड़ा करूँगा आगे से, क्योंकि जब ट्यूब कटर से इसको काटते हैं तो आगे से थोड़ा भींच जाता है, यानी कि मुँह छोटा पड़ जाता है इसका। तो अभी ये मैं लगा के देख रहा था तो उसमें तब भी नहीं लगा। अब मैं इसको ट्यूब नोज प्लास की मदद से इसका होल बड़ा कर देता हूँ, जिससे कि आराम से इसमें लग जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो तो अभी इसमें लग चुका है। तो मैं इसमें जोड़ लगा के अंदर फंसा दिया। और अब जो हमारा कंडेंसर है, तो कंडेंसर का पाइप भी इसमें डाल देंगे, और अब इन दोनों पाइप पे वेल्डिंग करेंगे। आराम से आपको वेल्डिंग करना है और जल्दीबाजी नहीं करनी। तो ये हमारे पास में फ्लक्स है, क्योंकि जो एक तरफ तो कॉपर का पाइप है, एक तरफ लोहे का पाइप है, तो लोहे की तरफ हमें फ्लक्स लगाना पड़ेगा, तब जाकर टाँका लगेगा, नहीं तो लगेगा नहीं। क्योंकि लोहे का और कॉपर का अगर पाइप होगा तो वहाँ पर आपको फ्लक्स का यूज़ करना पड़ेगा। अगर फ्लक्स ही नहीं लगाओगे तो टाँका लग नहीं पाएगा बिल्कुल भी। तो मैं इसको रोड को गर्म कर रहा हूँ, और फ्लक्स की देखो जो मेरे पास में डब्बी है तो उसमें डालता हूँ, तो फ्लक्स इस पर आराम से चिपक जाता है जब रोड गर्म रहती है। तो मैं अब इसमें फ्लक्स दोबारा से फिर लगाता हूँ, देखो तो डब्बी पर आराम से चिपक आ जाता है, यानी कि हमारी रोड पे। अब मैं इसमें टाँका लगा रहा हूँ, आपको देख लेना, देखो बहुत, पहले तो आपको थोड़ा ज़्यादा हीट कर लेनी है, फिर जैसे आपको दिखेगा कि लाल हो गया हमारा पाइप, तो फिर इसको लोगों इसकी जो बत्ती है, बत्ती को कम कर लेना है आपको, बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना, नहीं तो क्या होगा कि जब भी आप से वेल्डिंग करते रहोगे और ये नीचे चूता रहेगा। आप दूसरी तरफ भी वेल्डिंग कर दें, यानी कि जो हमारा कॉपर का पाइप है इस पर तो हमें फ्लक्स लगाने की जरूरत नहीं है, कॉपर पर तो आराम से वेल्डिंग हो जाता है। तो देखो मैंने वेल्डिंग कर दिया, दोनों तरफ वेल्डिंग अच्छे से हो चुका है। हमने बीच में एक क्वार्टर का पाइप लगाया, तो दोनों पाइप आपस में ज्वाइंट कर दिया। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो प्रेशर आ रहा है। कई बार क्या होता है कि पाइप का मुंह बंद हो जाता है, वेल्डिंग जो हमारे पास वेल्डिंग रोड होती है तो उसमें अंदर चली जाती है, तो पाइप बंद हो जाता है। ये मेरे पास में क्वार्टर का पाइप है, 5 इंच के करीब है, नहीं तो क्या होगा कि हमारी कैपिलरी छोटी पड़ जाएगी। तो मैं इसमें कंडेंसर में इसको वेल्डिंग कर लेता हूँ, जिससे कि हमारा आगे ड्रायर भी सही से वेल्डिंग हो जाएगा इसमें कॉपर के पाइप में, क्योंकि कॉपर के पाइप रहता है, कॉपर के पाइप होगा ये और कॉपर के ड्रायर होगा, तो आराम से वेल्डिंग भी हो जाएगा। तो आराम से पहले इसमें कंडेंसर में इसको वेल्डिंग करेंगे पाइप को। देखो मैंने रोड को गर्म किया था और फ्लक्स इस पर लगा दिया कंडेंसर पे। तो पहले तो मैंने इसको ज़्यादा जला रखा था बत्ती को, अब इसको कम कर लिया है, तो आपको भी आराम से कम कर लेना है। टाँका लगाने का ये आसान तरीका है, अगर आप तेज जला के इसको टाँका लगाओगे तो क्या होगा कि आप इस पर वेल्डिंग को लगाते रहो, ये रोड को पिघलाते रहोगे और ये नीचे गिरती रहेगी, तो आपको आराम से इसमें लगाना है। तो देखो टाँका इसमें लग चुका है, आपको जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी।
तो ये वाला तो टांका आराम से लग चुका है बिल्कुल। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको टांका अच्छे लगाना है, नहीं तो लीकेज हो जाएगी, फिर आपको दोबारा से आना पड़ेगा, क्योंकि कहीं चक्कर लगाने पड़ जाएंगे, फिर कस्टमर भी उससे छिट जाता है। तो जो भी काम करो अच्छे करो। ये हमारे पास में ड्रायर है, तो इसमें आप ड्रायर लगाएंगे। तो देखो मैं ड्रायर इसमें लगा के देख रहा हूँ, आराम से लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मेरे पास में कैपिलरी है 36 नंबर की, तो मैं वैक्यूम करने के लिए एसी का यूज़ करूँगा इसमें। तो इसको रेती की मदद से मैं आगे ये काट लेता हूँ, हल्का इस पर कट लगाएंगे तो आराम से टूट जाती है। तो ये कट चुकी है, अब दूसरी तरफ से भी इसका मुंह बंद है, तो रेती की मदद से मैं इसको दूसरी तरफ से भी काट दूँगा। आपको हल्का कट लगाना है और इसको आराम से आगे तोड़ देना है। तो ये देखो ये टूट चुकी है। अब मैं क्या करूँगा कि ड्रायर में इसको लगा के और ड्रायर का मुँह दूसरी साइड से बंद कर दूँगा, यानी कि नोज प्लास की मदद से बीच दूँगा इसको। तो जैसे मैं इसको बीच रहा हूँ, आपको भी आराम से उसमें कॉपर पाइप में लगा के आराम से इसको बीच लेना है। हमें बाहर निकाल के इसको आराम से पूरे को बीचूँगा, जिससे कि अंदर जब इसमें वेल्डिंग करेंगे तो अंदर इसमें वेल्डिंग रोड ना जाए। तो ये देखो मैं आपको देख लेना, देखो कैसे बीच रहा हूँ। बिल्कुल इसका मुँह पीछे बंद कर देना है, जिससे कि इसमें टाँका अच्छे लग जाए। तो ये मैंने अच्छे से इसको बीच दिया, आपको दिख रहा होगा देखो। तो वापस मैं पाइप में लगा देता हूँ उसको। और पाइप में लगाने के बाद आपको क्या करना है, जो कैपिलरी हमने इसमें लगाई है, इसको हल्के से जो है पाइप के साथ में मोड़ देना है। देखो जैसे मैंने इसको मोड़ दिया, नहीं तो क्या होगा कि गर्म होकर नीचे टूट के गिर जाएगी। जैसे मैंने इसको मोड़ा है, आपको इसे मोड़ देना है। और आपको ऊपर की साइड से गर्म करना है। देखो मैं पत्ती को थोड़ा पीछे की साइड मोड़ देता हूँ, जिससे कि आँच हमारी ऊपर जो पाइप है, पाइप और ड्रायर पर लगे। नीचे अगर कैपिलरी पर आँच लगेगी ज़्यादा, तो क्या होगा कैपिलरी पिघल के नीचे गिर जाएगी, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो ड्रायर तो गर्म हो चुका है अभी, ड्रायर और पाइप। तो अब इसमें वेल्डिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मैं अभी ये सही गर्म हो चुका है। आपको पहले बत्ती को तेज़ जला लेना है, जब ये अच्छे गर्म हो जाए, आपको देखिए लाल हो चुका है, तो फिर उसके बाद आपको इसको कम कर लेना है बत्ती को। नहीं तो क्या होगा कि आप इसमें वेल्डिंग करते रहोगे और ये जितने भी वेल्ड रोड आप इसमें पिघलती रहेगी, नीचे की साइड गिरती रहेगी। देखो जैसे मैंने इसकी आवाज कम कर ली है, हमारी जो बत्ती है हमारे पास में। तो अब आपको आराम से देखो प्यार के साथ में टांका लगाना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ। आपको जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी, टांका जो भी लगाओ अच्छे से लगाओ, नहीं तो फिर लीकेज हो जाएगी, दोबारा से आपको आना पड़ेगा। ये मैं बात हर वीडियो में बोलता हूँ। ये देखो हमारा टांका जो था बिल्कुल सही लग चुका है, इसमें कहीं पर भी लीकेज नहीं होगी। तो जो कैपिलरी थी, कैपिलरी का मुँह आगे से मैं काट लेता हूँ, जो हमारी अंदर कूलिंग कोयल में जा रही है वो वाली कैपिलरी है। तो एक कैपिलरी आगे से काली हो रही है, तो मैं इसको रेक मार की मदद से आगे से घिस लूँगा, जिससे कि टांका सही से लग सके। नहीं तो क्या होगा कि टांका सही से लग नहीं पाता। तो हम इसको आराम से साफ़ कर लेंगे आगे से, क्योंकि इस पर ऑयल लगा हुआ है और इस पर डस्ट भी है, तो कार्बन लग जाता है, कार्बन की वजह से इस पर ये वेल्डिंग पकड़ नहीं पाती सही से। तो अब मैं इसके पीछे कर लेता हूँ हल्की से और इसमें ड्रायर में लगा देता हूँ। तो ये देखो मैं इसको मोड़ के अब मैं इसमें ड्रायर में डाल देता हूँ, जिससे कि इसमें आराम से वेल्डिंग हो जाए। और अब अपनी बत्ती से इसको गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद फिर इसमें वेल्डिंग रोड से टांका लगाएंगे। तो आपको पहले इसमें इसको तेज़ जला लेना है, फिर जब गर्म हो जाए, आपको दिखेगा लाल हो चुका, तो फिर आपको इसकी आँच कम कर लेनी है, बहुत ज़्यादा आँच पे नहीं रखना, नहीं तो आप इसमें वेल्डिंग करते रहोगे और ये नीचे जितनी रोड होगी नीचे चूती रहेगी, गर्म होकर गलती रहेगी और नीचे गिरती रहेगी। तो देखो इसमें टाँका बिल्कुल सही लग चुका है, आपको जितने भी टाँगे हैं टाँगे बिल्कुल सही लगाने हैं, आपको दिखा रहा हूँ। देखो टाँका सही लग चुका है बिल्कुल। और इसको कपड़े की मदद से, ये गीला कपड़ा है, तो इसको आराम से हम ठंडा कर लेंगे, क्योंकि अभी गर्म हो रहा होगा बहुत ज़्यादा, हाथ भी नहीं लगा सकते इसको, हाथ जल जाएगा नहीं तो। इसको पहले आराम से कपड़े की मदद से ठंडा कर लेंगे। आप चाहो तो पानी डाल के भी इसको ठंडा कर सकते हो, तो मैं कपड़ा गीला है तो इसी की मदद से मैं इसको ठंडा कर रहा हूँ। देखो ये ड्रायर मैंने ये ठंडा हो चुका है, अब आपको दिख रहा होगा इसमें मैंने कंप्रेसर तो चालू कर दिया, इसमें एयर आपको मैं आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि कैपिलरी से हमारी एयर निकल रही है। और मैं क्या करूँगा कि जो इसका सक्शन लाइन वाला जो पाइप है, यानी कि जो फ्रीजर से वापस आ रहा है रिटर्न हमारे कंप्रेसर में, तो उसको बाहर निकाल के मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। कई बार क्या रहता है कि कैपिलरी चौक होती है तो प्रेशर अंदर सही से जा नहीं पाता, तो मैं इसको एक बार चेक करूँगा कि वापस प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा हमारी कैपिलरी से। अब हमारा पाइप तो गर्म हो चुका है, मैं प्लास की मदद से इसको बाहर खींच लेता हूँ। अब मैंने इसको जैसे पाइप को बाहर निकाला, तो उसमें ऑयल इकट्ठा हो रखा था, जिससे इसमें आग लग गई यहाँ पर, तो मैं इसको आग को बुझा देता हूँ। और मैं इसका कंप्रेसर स्टार्ट कर देता हूँ। देखो मैंने कंप्रेसर स्टार्ट कर दिया इसका, अब यहाँ पे इसका यहाँ से इसका प्रेशर निकल रहा है, जो हमने ड्रायर में कैपिलरी लगा रखी थी। और मैं इसका कैपिलरी का मुंह आगे से बंद कर देता हूँ, जिससे कि जितना भी प्रेशर हो सारा अंदर हमारा कूलिंग कोयल में जाता रहे और रिटर्न वापस आता रहे, जो हमारा सक्शन लाइन है। तो देखो यहाँ जैसे इसमें अंदर प्रेशर गया, तो सक्शन लाइन से एकदम से ऑयल टपकने लगा और धुआं निकलने लगा, यानी कि हमारा पाइप अभी गर्म हो रहा है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इसमें धुआं निकलने लगा। और मैं अब इसको कपड़े की मदद से ठंडा कर लेता हूँ पाइप को, नहीं तो क्या होगा कि हमारा हाथ जल जाएगा। अभी पाइप बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो मैं अभी इसको ठंडा कर लेता हूँ। जो हमारा सक्शन लाइन वाला पाइप है, मैंने इसका आगे से मुंह बंद कर रखा है, इसमें प्रेशर चेक करते हैं। तो देखो मैंने अभी इसका आपको प्रेशर दिखा दिया, अभी इसमें प्रेशर मैंने छोड़ा था, अभी दोबारा से मैं आपको चेक कराता हूँ। देखो प्रेशर इसमें
सही आ रहा कि नहीं, कैपिलरी हमारी सही है कि नहीं है। हमारा ड्रायर भी कई बार चौक हो जाता है, उसकी वजह से हो जाता है। देखो मैं आपको अभी दोबारा से प्रेशर चेक कराता हूँ। ये देखो अब बिल्कुल प्रेशर इसमें सही आ रहा है, यानी कि हमारी कैपिलरी भी सही, ड्रायर भी सही है। और अब इसमें जो हमारा सक्शन लाइन वाला जो पाइप था, अब इसमें टाँका लगा लेते हैं। इसके हमने कंप्रेसर जो निकाला था उसको वहीं पर लगा देंगे। इसमें टाँका आपको अच्छे लगा देना है, एक टाँका हमारा लीकेज ना रहे, तो आपको ये याद रखना है। देखो अब टाँका मैंने इसमें लगा दिया, सक्शन लाइन मैंने इसलिए चेक किया वहाँ पर प्रेशर। कई बार हमारी कैपिलरी चौक होती है, क्योंकि फ़िल्टर तो मैंने इसमें नया लगा दिया तो दिक्कत हो जाती है फिर। तो अब इसमें इसकी जो वॉल्व भी थी, वॉल्व में लगा के NRV में, और इसको टाइट कर देता हूँ ऊपर से, क्योंकि अब हम इसमें गैस डालेंगे। आपको देख लेना है कैसे मैं इसमें गैस डालूँगा, आपको कितनी गैस डालनी है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो ये हमारा गेज मीटर है, तो इसमें जो चार्जिंग लाइन हमारी एक तो नीचे की साइड लगी हुई है, और एक साइड में जो नीचे की साइड मीटर में हमारी जो चार्जिंग लाइन लगी हुई है, ये हम कंप्रेसर में लगाएंगे। और जो दूसरी चार्जिंग लाइन है हमारी, वो हम हमारे जो गैस का कैन है उसमें लगाएंगे। ये हमारे पास में हाइड्रोकार्बन गैस है, तो आपको उसके चार्जिंग लाइन के सारे नट अच्छे टाइट कर लेना है। अगर कहीं से लूज रहेगा तो इसमें वैक्यूम सही से नहीं हो पाएगा, तो आपको याद रखना है। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ मीटर को, ये 0 पे हमारा मीटर, यानी कि अभी हमने कंप्रेसर स्टार्ट नहीं किया। जब कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा कि स्विच के नीचे की साइड जाएगी। अब देखो मैंने कंप्रेसर स्टार्ट कर दिया, और अब इसकी स्विच नीचे की साइड जाने लगेगी। और मैं यहाँ से कैपिलरी काट देता हूँ, क्योंकि यहीं से हमारा जो फ्रिज है वैक्यूम होगा। देखो अब आपको दिख रहा होगा इसमें आवाज़ आने लगी, जो प्रेशर था इसका बाढ़ निकलने लगा। और जो मीटर की सुई है, मीटर की सुई भी इसकी नीचे की साइड जाने लगी। देखो तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो क्योंकि अभी वैक्यूम होने लगा, और जो हमारा मीटर है अब इसकी सुई पीछे की साइड जाने लगी। हमें अपने फ्रिज को कम से कम 15 से 20 मिनट वैक्यूम करना है। कम से कम आप 10 मिनट तो करे ही करो, नहीं तो 15 से 20 मिनट आपको वैक्यूम करना है, इससे कम मत करना। क्योंकि नहीं तो अगर अंदर एयर रहेगी तो क्या होगा उससे कि कूलिंग सही नहीं हो पाएगी। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये बिल्कुल अब सही से वैक्यूम हो चुका है। आपको मैं दिखा देता हूँ, अब बिल्कुल स्विच के नीचे जा चुकी है, यानी कि 30 PSI पर जा चुकी है, -30 PSI। और आपको याद रखना है, जो हमने ड्रायर में कैपिलरी लगाई थी वहाँ से अगर एयर आ ही रही है, यानी कि 10 मिनट के बाद भी अगर एयर आती है इसमें से, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लीकेज है। जो हमारे सक्शन लाइन है, सक्शन लाइन में कहीं लीकेज है, तो आपको लीकेज देखनी है कहाँ पर है। और अब हमारी कैपिलरी है, इसको आगे से प्लास की मदद से बींचेंगे। और आपको पहले 6 बींच लेनी है, और इसमें टाँका लगाएंगे, तो इसमें टाँका लगा देते हैं। तो आपको ये याद जरूर रखना है कि हमारा जो मीटर है, चार्जिंग लाइन लगी हुई है, तो आपको इसके जो नट है, जो पेंचे लगे हुए, जिनके जो नट लगे हुए, वो पूरे आपको अच्छे टाइट कर लेना है। कई बार क्या होता है उसकी, अगर ये लूज रहते हैं तो भी यहाँ पे एयर आती रहेगी। तो अगर आपने सब कुछ टाइट अच्छे से कर रखा है, फिर भी एयर आ रही है, तो आपकी कहीं ना कहीं लीकेज है, यानी कि आपकी जो सक्शन लाइन है उसमें कहीं पर लीकेज है सक्शन लाइन से, क्योंकि अंदर एयर लेता रहेगा और फिर इसमें यहाँ से बाहर निकलती रहेगी डिस्चार्ज लाइन से। तो अब इसमें गैस डालते हैं मैं इस, तो आपको देख लेना है। देखो पहले इसमें एक लाइन छोड़ेंगे, तो एक लाइन तो हमने इसमें डाल दी गैस की। अब थोड़ा वेट करते हैं, हम इसमें एक लाइन तो छोड़ चुके हैं गैस की। अब जब दूसरी लाइन छोड़ेंगे, लगभग 1 मिनट के बाद हम इसमें दूसरी लाइन गैस की छोड़ेंगे, यानी कि दूसरी बार जब गैस डालेंगे। तो आपको याद रखना है, दमा दम इसमें, यानी कि जल्दी जल्दी में गैस नहीं डालनी बिल्कुल भी, थोड़ा रुक के डालनी है। दूसरी लाइन हम इसमें डालेंगे, यानी कि दूसरी बार गैस डालते हैं इसमें। तो ये देखो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, अब हमने इसमें दूसरी बार गैस डाल दी। तो अभी थोड़ा वेट करते हैं, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, मैं फिर आपको आगे से भी दिखाऊंगा। देखो कूलिंग करने लगा कि नहीं लगा इसका फ्रीजर खोल के अंदर से, जो उसकी कूलिंग कोयल इस पर बर्फ़ आने लगी नहीं लगी। तो इसकी जो कैपिलरी थी, कैपिलरी में पाइप के साथ में मोड़ देता हूँ, जिससे कि कहीं टूट ना जाए। तो जैसे मैंने इसको मोड़ दिया, आपको भी ऐसे मोड़ देना आराम से। तो हमारा फ्रीज चल रहा है, और अब देखो आपको दिखा देता हूँ उसमें मीटर में, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं कंडेंसर चेक कर रहा हूँ। तो कंडेंसर गर्म होने लगा, अब तीसरी बार मैं इसमें गैस छोड़ता हूँ, यानी कि 2 लाइन मैंने इसमें छोड़ दी थी, अब तीसरी बार मैंने इसमें गैस डाली है। तो देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ मीटर, आपको इसमें ये डबल डोर फ्रिज है, 10 PSI के करीब रखनी है, 10 से 12 भी कर सकते हो। और अगर आप इसमें गैस डालते जा रहे हो, आपने 4-5 लाइन इसमें छोड़ दी है, और फिर भी आपकी माइनस में सुई जा रही है, तो इसका मतलब आपका जो या तो ड्रायर चौक है, या फिर आपकी कैपिलरी चौक है, यानी कि आपकी गैस चौक है। तो आप उसमें ज़्यादा गैस में डालिए। देखो मैंने अभी इसमें 3 लाइन डाली है, तो मेरा मीटर 10 PSI के करीब आ गया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो तो मैंने इसमें 3 बार गैस डाली है, मैं थोड़ा जूम और कर लेता हूँ। तो देखो 10 PSI हमारा मीटर आ चुका है, तो गैस तो हमारी पूरी हो गई इसमें। तो अब मैं इसको निकाल देता हूँ मीटर को, तो मैं ड्रायर चेक कर रहा हूँ, तो ड्रायर भी हल्का गर्म होने लगा। तो मैं इसको निकाल देता हूँ, और इसकी NRV का जो ढक्कन है ऊपर वाला, वो लगा देता हूँ। तो ढक्कन तो लग चुका है, अब इसकी जो कैपिलरी है और जो ड्रायर है, इसको थोड़ा अंदर की साइड मोड़ देते हैं, जिससे कि कहीं फंस के टूट ना जाए, तो बाद में फिर लीकेज हो जाएगी। तो ये तो मैंने कर दिया, देखो ड्रायर चेक कर रहा हूँ, ड्रायर हल्का गर्म हो रहा है। और अब मैं आपको चेक करा देता हूँ कि अंदर कूलिंग कोयल पर बर्फ़ आने लगी या नहीं आने लगी। तो अभी देखते हैं इसमें,
तो सबसे पहले मैं इसका सामने क्या कवर खोल लेता हूँ, जो सामने कवर लगा हुआ है तो उसमें दो पेंच लगे होते हैं और प्लास की मदद से इसको पीछे की साइड खींचूंगा तो आराम से बाहर निकल जाएगा। तो देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी कि इसमें बर्फ़ है कि नहीं, अंदर कूलिंग करने लगा कि नहीं करने लगा। तो अभी मैं देखो दिखा रहा हूँ आपको, जो इसका पाइप है पाइप पर बर्फ़ आने लगी और जो इसकी कूलिंग कोयल है कूलिंग कोयल पर भी इसमें बर्फ़ आने लगी अब। और मैं आपको दिखा रहा हूँ देखो, इसमें देखो जो कूलिंग कोयल इस पर पूरी पर बर्फ़ आ चुकी है। तो दोस्तों फ्रिज तो रिपेयर हो चुका है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हो फ्रिज के बारे में तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, तो मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।